हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंक्रीज योर इन्फॉर्मेशन वन टू थ्री में आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये चंडीगढ़ सर्कल में हम बात करेंगे चंडीगढ़ सर्कल में पोस्टें कितनी निकली हैं कहाँ कहाँ निकली है उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर ये चंडीगढ़ सर्कल के अंडर आते हैं सर्क, चंडीगढ़ सर्कल से ही हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे इसके बारे में ये क्लैरिकल्स क्रिएटर है इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा हाउ टू अप्लाई एजुकेशन फी स्ट्रक्चर एज सिलेबस क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़ और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल सिटीजन अपॉइंटेड एज अ जूनियर एसोसिएट इन अ क्लैरिकल केडर में है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वेरियस वैकेंसीज इन अ वन स्टेट उब्लिक यूटी ओनली आप एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट कैन अपीयर द टेस्ट वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट द कैंडिडेट अपलाईंग वैकेंसी Particular state, or UT should be professions reading, writing, speaking, and undertaking in the specific opted local language of the state and UT mentioned in the under given vacancy table. Against such uh, state, the test or knowledge of the specific local language will be considered conduct as the part of the selection process. It will be conducted. After qualifying online win examination, but before join the bank. Candidate who failed the qualify this test will be not offered appointed. Candidate who product 10th or plus two standard marks certificate even having a should study specific option local language will not be required to undergo the language test. There is no provision inner circle transfer, inner state transfer, junior assistant recruitments. इसमें साफ़ कहा गया है कि जो भी आपको स्टेट्स में अप्लाई करेंगे आप एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और जो इसकी प्रोविजन में नो प्रोविज़न है कि आप इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र जूनियर से सी टू बी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नहीं है उसके आगे इसका प्रियम्स एग्ज़ाम जो होगा वो लमसम नवंबर 2022 में होगा और मेन विल बी कंडक्ट लमसम दिसंबर या जनवरी 2022 में ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट बैंक डॉट एस बी या डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एस बी डॉट को डॉट इन या आप डिटेल देख सकते हैं हम सिर्फ अभी सिर्फ़ चंडीगढ़ सर्कल की बात कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये चंडीगढ़ सर्कल है चंडीगढ़ सर्कल के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें उर्दू और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है थर्टी फाइव टोटल पोस्टें हैं और हरियाणा में हिंदी पंजाबी फाइव पोस्ट हिमाचल प्रदेश में हिंदी फिफ्टी फाइव पोस्ट एंड पंजाब में पंजाबी और हिंदी वन थर्टी पोस्ट यानी एक सौ तीस पोस्टें हैं ये कंडीशंस है जैसे कि आप देख सकते हैं द कैंडिडेट ऑप्शन टू वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लोकल लैंग्वेज टेस्ट पर्सन विद डिस बेंच मार्क डिसबलिटी वो अंडर क्लॉज सब कुछ दिए गए हैं प्लीज़ रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वे वेबसाइट से जिनका लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी नॉट बिलो यानी बीस साल से कम भी नहीं होनी चाहिए और अठारह साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन भी है एस टी एस टी को फ़ाइव ईयर ओ बी सी को थ्री ईयर पी डब्ल्यू डी जनरल और ई डब्ल्यू एस को टेन ईयर पी डब्ल्यू डी एस टी एस टी को पंद्रह ईयर पी डब्ल्यू डी ओ बी सी को थर्टीन ईयर और एक्स सर्विस मैन और डिसबलिटी एक्स सर्विस मैन को भी पोस्टें रिलैक्सेशन uh, है वो आप पढ़ लीजिएगा एसेंशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएश ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आई यूनिवर्सिटी यानी और इंस्टीट्यूट से आप होने चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स पेपर वन ऑनलाइन प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम के लिए जो आपके क्वेश्चंस होंगे वन आवर का टाइम होगा हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश मीडियम इंग्लिश होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन थर्टी मैक्स थर्टी और ड्यूरेशन होगा ट्वेंटी मिनट्स फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए बहुत लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश में भी हो सकते हैं जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज उसमें और इंग्लिश में थर्टी फाइव नंबर ऑफ क्वेश्चन थर्टी फाइव मार्क्स ट्वेंटी मिनट्स रीजन रीजनिंग एबिलिटी के लिए थर्टी फाइव क्वेश्चन थर्टी फाइव मार्क्स ट्वेंटी मिनट्स टोटल आपके हंड्रेड क्वेश्चन होंगे हंड्रेड मार्क्स देंगे और वन आवर का टाइम होगा आपके लिए फिर इसके बाद आप मेंस uh, एग्जाम की बात करें तो इसमें जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस के लिए मीडियम इंग्लिश हिंदी नंबर ऑफ क्वेश्चन फिफ्टी मैक्सिमम फिफ्टी मार्क्स एंड अब टाइम होगा आपका ड्यूरेशन थर्टी फाइव मिनट्स जनरल इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज होगी में पेपर होगा मीडियम फोर्टी मार्क्स एंड फोर्टी नंबर क्वेश्चन थर्टी फाइव मिनट्स क्वान्टिटी एप्टीट्यूड दो बोथ लोकल एंड इंग्लिश लैंग्वेज फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी नंबर क्वेश्चन फोर्टी फाइव मिनट्स रीजनन रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड फिफ्टी क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स के और फोर्टी फाइव मिनट्स आपका जो टोटल क्वेश्चन होंगे वन नाइन्टी यानी एक सौ नब्बे होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे दो टू हंड्रेड तो आपका टोटल टाइम होगा दो घंटे चालीस मिनट में क्लियर बताया गया है द लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अपलाइड फॉर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हम हरियाणा की बात करें तो इंग्लिश हिंदी पंजाबी हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश हिंदी जम्मू एंड कश्मीर में इंग्लिश हिंदी उर्दू और पंजाब में इंग्लिश हिंदी पंजाबी अप्लीकेशन फ़ीस एंड इंटमेशन चार्जेस एस सी एस टी के लिए नील है जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस के लिए साढ़े सात सौ रुपए है हाउ टू अप्लाई में हम जैसे कैंडिडेट कैन अप्लाई नो अदर मोड ऑफ द अप्लीकेशन विल भी एक्सेप्टेड सिर्फ ऑनलाइन मोड ऑफ एक्सेप्टेड और कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर दम सेल्फ ऑनलाइन थ्रू द बैंक्स वेबसाइट जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से देख के प्ली उसी वेबसाइट में ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा वहाँ से आप भर सकते हैं इन केस एनी प्रॉब्लम फिलिंग अप द फॉर्म पेमेंट फ़ीस के रिगार्डिंग होगी तो आप टेलीफोन नंबर भी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप उनके कॉल करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं और गाइडलाइंस है प्लीज़ ये क्लियर कट पढ़ लीजिएगा जब भी आप फॉर्म सबमिट करें ये सेंटर्स हैं ये भी देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट करते हैं कि जहाँ पे आपका सेंटर है उसके आ, कौन कौन से आपको सिटीज़ प्रोवाइड हैं जैसे चंडीगढ़ की बात करें हम चंडीगढ़ में चंडीगढ़ मोहाली है हरियाणा में अंबाला फरीदाबाद गुड़गांव और पंजाब में अमृतसर भटिंडा जलंधर मोहाली पटियाला आप कुछ इनमें से भर सकते हैं और ये कंडीशनस है आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो